विधान परिषद चुनाव से पहले बिहार की राजनीति काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। आरजेडी के लिए कल के दिन झटके वाला दिन साबित हुआ। एक तरफ 5 विधान पार्षद जेडीयू में चले गए तो दूसरी तरफ रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। अब राजद की ओर से आनंद फानन में विधान परिषद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आरजेडी की तरफ से जिन तीन चेहरों को विधान परिषद में भेज दिया गया है उसमें बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह का नाम सबसे ऊपर है। मुंबई के कारोबारी फारूक शेख को आरजेडी विधान परिषद में भेज दिया गया है, जबकि बीएन कॉलेज के प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी भी परिषद में नामांकन दर्ज किए। पार्टी के इन तीनों उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है और सभी विधान मंडल में आज एमएलसी के लिए राजद की तरफ से नामांकन दर्ज किए। देखिए पटना से 24 लाइव के लिए संवाददाता रंजीत कुमार की रिपोर्ट। ऐसे कैसे हो? कैमरा दूर करो यार, कैमरा दूर करो ना, ये माइक दूर करो। चले आज तीनों लोगों की नामांकन हुई है जिसमें कि रामबली जी हैं, सुनील सिंह जी हैं और फारूक हैं। यार लोगों का जीत जो है सुनिश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं। और पार्टी के कार्यक्रम में लगातार जो है सब लोग शिरकत करते रहे हैं। और जहाँ तक कल की बात है, आप लोगों का सवाल है, उसमें कुछ कहना नहीं है। जो लोग गए हैं उनको शुभकामनाएं हैं, नीतीश जी को जो कंस्ट्रक्टिव जो काम किए हैं, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम किए हैं, ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम किए हैं जो उनको फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेकिन वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं 15 साल से, पहले जनादेश का अपमान किया, ये उनका कंस्ट्रक्टिव काम है। और जनादेश के अपमान करने के बाद कल की जो प्रक्रिया रही है, मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत भला हो सकता है, व्यक्तिगत भला हो सकता है, लेकिन बिहार के 12 करोड़ लोगों का भला नहीं होगा। इससे भला तब होता जब 15 साल के रहे मुख्यमंत्री बिहार से बेरोजगारी को मिटाते, पलायन को रोकते, इंडस्ट्री कारखाने लगवाते, अब क्राइम रेट को कंट्रोल करते, सीमा से जो लगा जो हमारा जो बांध का जो काम चल रहा था नेपाल और बिहार का, वो काम रुका पड़ा है। पूरा उत्तर बिहार जो है डूबने का कगार पे आ गया है, खतरे पे है। तो मुख्यमंत्री को काम 90 दिन के बाद, देखिए 90 दिन तक तो मुख्यमंत्री घर से नहीं निकल करके यही कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे थे ना। उनको कोरोना में महामारी श्रमिकों का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए था, निकल के अस्पताल देखनी चाहिए थी, तो इसलिए नहीं निकल रहे थे, यही काम कर रहे थे। देखिए बात समझे, चुनाव है, चुनाव के दौरान लोग आते हैं और जाते हैं। कोई भी ऐसा चुनाव ना हुआ हो आप बता दो जिसमें लोग आए हों और गए ना हों। ये तो चुनाव का मौसम है, चुनाव के मौसम में सरकार का यही तो हम कह रहे हैं, ये अपनी कुर्सी बचाने में लग रहे हैं और बिहार के लोग जो है मर रहे हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। बिहार में एक कारखाना नहीं लगा, मजदूर जो है फिर पलायन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सब जितने मजदूर जो वापस आए उनको रोज़गार दो, बिहार सरकार रोज़गार नहीं दे पा रही, वापस मजदूर जो है उनको ले जाया जा रहा है, बसेस आ रही हैं चंडीगढ़ के आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, लेकर के धोकर के ले जाया जा रहा। तो देखिए कुछ दिन पहले जदयू के हमारे एमएलसी जो थे हमारे पाले में आए थे, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। जदयू बोल रहे हैं कि आपके बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं, आगे आगे देखिए क्या होता है। एक ही बार करें ना, आगे आगे क्या काम था, आप पहले ये कहते रहे हैं कि जेडीयू में बदतर मचेगी और वो टूटेगी, लेकिन उससे पहले जदयू कोई पार्टी नहीं है। जदयू पार्टी कैसे बनी आपको थोड़ा इतिहास जानना पड़ेगा। अच्छा आप मानते हैं कि आपकी बात का सर आज बाहर निकले सीएम चले गए? नहीं नहीं, तो देखिए बाहर निकले हैं हम लोग तो पहले से कह रहे थे ढोल पीटने का काम करेंगे हम लोग। विपक्ष अगर आवाज़ को बुलंद नहीं करेगा और इस आवाज़
को बुलंद करने में जो सहयोग बिहार की जनता का जो हम लोगों को मिला है, उन लोगों को धन्यवाद करते हैं। ये मुख्यमंत्री 90 दिन से बैठे रहेंगे। नीतीश कुमार जी के लिए यही संदेश होगा कि नीतीश जी, जनता नेता बनाती है, नेता जनता नहीं बनाता है, और जनता हमारे साथ है। जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, पहले से हम लोग जिम्मेदारी निभा भी रहे थे और आगे और भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है जो और भी निभाना है और काम करना विधानसभा के लिए आगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं जानते तो आप नाराजगी है। हम तो पहले से वर्कर है पार्टी के, पहले से बिहार में कारोबार। हाँ बिल्कुल, जो अभी आदरणीय तेजस्वी जी जो बोले हैं कारोबार के लिए रोजगार नहीं है यहाँ पे, जो यहाँ बिल्कुल इसके ऊपर मेहनत करेंगे और आगे रोजगार के लिए काम करेंगे। रोजगार कैसे मिले मजदूरों को जो आज पूरे प्लान करके आए हैं हर जगह से, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, जहाँ से भी बहुत तकलीफ में हैं वो लोग। कोशिश यही रहेगी जो यहाँ पे उनको मिले रोजगार, बाहर जाने की वापस ज़रूरत ना पड़े उनको। करेंगे, अभी शेयर नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। कार्यकर्ता में संदेश जाएगा कि एक कार्यकर्ता जो रात दिन है लोगों के बीच में रहता है और 300 जिला में जा करके बैठक करता है, संगठन बनाता है, और वैसे कार्यकर्ता को अगर मौका मिलता है तो बिहार के तमाम राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं में यह संदेश जाएगा कि कल हम भी बन सकते हैं, परसों वह भी बन सकते हैं। आपके जाने के बाद भी सदन में आप लोग कमजोर रहेंगे, 5 लोगों को तोड़ दिया गया। सदन संख्या से खाली मतलब नहीं है, संख्या की चिंता थी नीतीश कुमार को, जो उन्होंने अनैतिक काम किया, अभी उनको तोड़ने की कौन सी ज़रूरत थी। सरकार तो नहीं बन रहा था, सरकार नहीं कि विधायक अगर होते तो एक बात होती थी, कोई बिल नहीं रुक रहा था, लेकिन उनकी कहाँ योजना है। उनकी योजना है कि जान रहे हैं तेजस्वी जी की लोकप्रियता से घबराहट उनकी हो गई है और बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम को समझ रहे हैं, और परिणाम के बाद क्या होगा कि विधान परिषद में भाजपा से हमारा संख्या कम न रहे, इस चिंता के चलते इन्होंने 5 हमारे सदस्यों को तोड़ा है। अगर स्ट्रोक नहीं होता तो हमारे आने से सिर्फ ये मालूम हो गया नीतीश कुमार जी को कि रामबली सिंह का चयन हो गया है राष्ट्रीय जनता दल से MLC के रूप में, तो उनकी गणित बिगड़ गई। वह गणित था पहले कि अशोक चौधरी को देना था, संजय सिंह को देना था, फलाना को देना था, लेकिन तीनों के तीनों सीट उन्होंने अति पिछड़ा में देने का काम किया। इससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की घबराहट कितनी बढ़ी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय लालू प्रसाद जी को और तेजस्वी यादव जी को। आपको पता है कि इस बिहार में इस उम्र का नेता जितना प्रतिभावान है, इनका नाम भी तेजस्वी है, तेज प्लस यस, मतलब इतना प्रखर नेता, आप आकलन करें, लोग उनके बारे में आलोचना करता है। आप ये समझने का विषय है कि तेजस्वी जी के उम्र में बाकी नेता लोग क्या करते थे, बाकी नेता लोग उस मुकाम पर पहुँचे कि नहीं, राज्य की सेवा कर पा रहे थे कि नहीं। और जहाँ तक मेरा बात है, आप जानते हैं कि मैं बिस्कोमान द्वारा राज्य के किसानों को 265 रुपये में यूरिया देता हूँ और यह सेवा मैं 15 वर्षों से कर रहा हूँ। अतः मेरा कार्य ही है सहकारिता और कृषि, और इसी के संदर्भ में पूरे पुरजोर ढंग से गरीब किसानों का, मजदूरों का और सभी पैक्स अध्यक्षों की बात को रखने के लिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने और माननीय लालू प्रसाद जी ने मुझको परिषद में भेजा है, और चुनाव जो 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 यहाँ पर निर्वाचन होना है इसके लिए उन्होंने मुझे नामित किया है। चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी बहुत मुसीबत आने वाली है, विधायक भी टूटने वाले हैं, कैसे सामना कीजिएगा? देखिए, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं और कल्पना आधारित बातें हैं, तो इसके संदर्भ में तो आदरणीय हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, वही इसके बारे में आपको जवाब देंगे। आप कृषि के बारे में पूछिए, एग्रीकल्चर के बारे में पूछिए, आप हमसे मजदूरों के बारे में पूछिए, धरातल के बारे में पूछिए, नेता लोग तो भाषणबाजी देते हैं। मजदूरों के बारे में कभी सुनवाई करने के लिए आपको तैयार है पूरे तरीके से 2020 में, आपकी क्या तैयारी रहेगी पार्टी की मजदूरों के लिए? बिल्कुल, हम लोग जिस पुरजोर ढंग से गरीब किसानों का, मजदूरों का, जो जितने अकलित समाज के लोग हैं, जिस तरह से हम लोग उनकी बात को उठावेंगे, वो तो अपने आप में एक दृश्य है। अगर बहुत मजबूती अगर अगला सरकार अगर होता तो क्यों इस तरह के फिसड्डी नेताओं को अपने पार्टी में ले जाता? 5, आप किसी भी 10 व्यक्ति से पूछ लें कि जो 5 MLC उस पार्टी में गए हैं, कोई अगर उसमें से 2 व्यक्ति भी अगर पूरे 5 MLC का नाम बता दें तो आप जो कहिए सो।